हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सुशांत सिंह। इस समय मैं आपको बता दूं कि डबुआ के 60 फुट रोड पर मौजूद, तो ये देखिए नज़र आप मेरे आगे पीछे और चारों तरफ जहां पर भी आपकी नज़र जा रही होगी वहां आपको पानी ही पानी नज़र आ जाएगा। और ये देखिएगा कि जो बस के पहिए हैं वो बिल्कुल ऊपर से लबालब हो चुके हैं, बस भी यहाँ आधी सी डूब चुकी है और यहाँ पर देखिए वाहन भी खराब हो रहे हैं। ये देखिएगा कि ये जो व्यक्ति हैं इनके जो वाहन है वो भी खराब हो चुके हैं। ऐसे में करीब 3 किलोमीटर से जो अपना वाहन है वो खींच कर ला रहे हैं। सर कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है भाई साहब, क्या मजे करें? तो काफी आ रहे होंगे पानी में। पानी में तो मजे तो आते रहे आते ही हैं, लेकिन क्या करें जी, खींचना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, खींचना मुश्किल हो जा रहा है। अकेले ला रहे हैं आप? बच्चा है मेरे साथ में। बच्चा है, कहाँ से आप खींच कर ला रहे हैं? हमें कम से डबो मंडी से आ रहे हैं, डबो से इधर से ही चौक से। अच्छा, डबो चौक से आ रहे हैं? हाँ जी जी। ये देखिएगा कि लोगों के वाहन देखिए यहाँ पर खराब हो रहे हैं। ये देखिए स्कूटी यहाँ पर जो है बंद हो रही है। ऐसे में भैया यहाँ के निवासी हैं आप? यही? हाँ जी सर जी। क्या दिक्कत आ रही है और कैसी परेशानी आ रही है यहाँ? पहले तो मैं सिटी न्यूज की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगा देखने के लिए इस न्यूज चैनल को जी। यहाँ पर अक्सर जब भी बारिश आती है इसमें हमेशा पानी भर जाता है इस रोड पे जी। इस रोड पे पानी हमेशा भरा, चाहे थोड़ी बारिश आया जब भी हो जाती, आधे घंटे की बारिश में पानी इससे ज्यादा भर चुका होता है। अच्छा। ये तो एक घंटा हो गया बारिश बंद हुआ जब भी, इसका यही हाल है इस रोड का। अच्छा, तो ऐसे ही हर बार पानी भर जाता होगा? बिल्कुल राइट सर, हमेशा ऐसे ही पानी भर जाता है जी। मात्र आधे घंटे की बारिश में भी इससे ज्यादा पानी, ये तो अभी बारिश को बंद हुए काफी टाइम हो गया इसलिए पानी कम दिख रहा है, तो इससे ज्यादा पानी होता है। अच्छा, इससे ज्यादा पानी होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिएगा कि मैं अभी फिलहाल देखिए सड़क पर मौजूद हूँ, आपको सड़क का एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो भी नहीं दिख रहा होगा। देखिए मेरे घुटने तक जो है पानी आ चुका है। ऐसे में ये देखिए यहाँ पर रोजाना एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है अगर ऐसे ही पानी जो है बना रहता है। ऐसे में उन लोगों से भी जानेंगे, ये देखिए यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसी परेशानी आ रही है। ये देखिए स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी जो है स्कूल की तरफ से जब आते हैं वापस तो उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाई साहब एक बार आ जाओ, भाई साहब आ जाओ एक बार, कैसी दिक्कत आ रही है एक बार आ जाओ। अरे बाबू जी कैसी परेशानी आ रही है यहाँ पर? पानी तो काफ़ी भर रहा है यहाँ पे भैया, 45 साल हो गए यार, बहुत दिनों से पानी भरता है लगातार। अगर थोड़ी सी बारिश होती है तब भी जल भराव मोटा हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, प्रशासन को सुनने को तैयार नहीं है जी। और उनको कई बार बता दिया गया और वो देख भी रहे हैं, वीडियो वायरल हुई थी अभी कुछ दिन पहले, नाव चली थी जी। कुछ दिन पहले नाव भी चली थी। ये देखिएगा कि हाल कैसे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो थोड़ा पानी उतर गया है और ये नहीं तो घुटने घुटने के ऊपर पानी था। अच्छा, घुटने घुटने तक पानी था? हाँ, अभी कम नहीं है, काफी घुटने। अभी भी है जी। और छोटे बच्चे महिला के लोग गिर चुके हैं अब तक इसमें जी। ये देखिएगा कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी कुछ कह रही हैं, वहाँ भी चलेंगे। और हाँ जी, सिटी न्यूज 100। ये देखिएगा कि देखिए बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये देखिएगा कि घुटने घुटने तक पानी यहाँ पर भर चुका है। ये देखिए जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ पर पानी ही पानी आपको दिख रहा होगा। दुकानदारी ठप है, दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है और सड़कें जो हैं पूरी लबालब पानी से भरी हुई हैं। क्या कह रहे भाई साहब, गड्ढा है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, गड्ढा भी है यहाँ पर। ये देख बड़ी संभल कर चलना पड़ रहा है भाई साहब। इधर की तरफ चलें, इस तरफ चलें। अच्छा, यहाँ पे गड्ढा है। ये देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पर हम बहुत ही आराम आराम से चल रहे हैं और कहीं भी गड्ढा हो सकता है। मैडम किस तरह की परेशानी आ रही है? आ जाते हैं आपके पास, आ जाते हैं एक बारी। बाहर बाहर आ जाओ, बाहर बाहर की तरफ आ जाओ एक बारी, बाहर की तरफ आ जाओ। अच्छा जी, आपके पास आ जाते हैं जी। क्या क्या कह रहे हैं नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा कोई काटता नहीं, पानी कितना भरे पड़े, छोटे छोटे बच्चे देखो वहाँ दूसरे के बैठे हैं। अच्छा, हाँ, स्कूल में अभी तक नहीं आ रही है, बाढ़ देखने लग रहे हैं। स्कूल की छुट्टी कितने बजे हुई थी? 1 बजे 1:30 बजे छुट्टी हुई थी जी। कितना घंटे हो गए अभी? अब देखो क्या टाइम हो रहा है, तुम ही देख लो कितना टाइम हो रहा है। पानी की वजह से? हाँ, पानी की वजह से नहीं आ रहा जी, क्या करें। और बच्चों देखे गए कैसे कूड़ा वो अड़ा पड़ा है, कती वो घर में भी लाइट जान हो रही है जी जी जी। ये देखिएगा कि काफी परेशानी, मैडम एक बार आ जाइए आप तो, कैसी यहीं पर आ जाओ, कैसी परेशानी आ रही है कि? देखो कूड़े की सारी परेशानी है भैया, बच्चे नहीं आए अभी तक स्कूल में, पानी भरा हुआ है जी। ये देखो नाले कैसे भरे हुए हैं जी। कैसे निकले बाहर? ये तो ठीक है कि पानी पानी आप कहते हैं कि भाई पानी नहीं आ रहा है, तो पानी तो आ रहा है, सड़कों पर बह रहा है खूब। ये देखिए यहाँ पर खूब पानी बह रहा है, देखिए बच्चे आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए कैसे लेट हो गए भाई साहब,
पानी वो ज्यादा भर गया था। पानी ज्यादा भर गया था हाँ। तो आपका इंतजार कर दादी है आपकी हाँ। तो आपका इंतजार कर रही है हाँ। तो कितने घंटे हो गए आपको स्कूल की छुट्टी कब हुई थी? 1:30 बजे। अब कितने बज रहे हैं? करीब 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। अच्छा अच्छा, तो पानी की वजह से दिक्कत आई। तो बस से आए थे? कैसे आए थे? ऑटो से। ऑटो से आए थे। ऑटो चल रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल। ये देखिएगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो काफ़ी परेशानी जो है उनका सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये देखिए यहाँ पर एक बार विकास देख लीजिए, कैसा विकास यहाँ पर हो रहा है। और इस तरह की जो तस्वीरें जब आप देखते हैं, ये देखिएगा कि यहाँ पर तमाम तस्वीरें और कूड़े से जो है, ये देखिए कूड़ा जो है बह बहकर यहाँ पर नालियों में आ चुका है। ये एक बार आप आ जाइए, क्या कह रहे हैं? ये साफ होना चाहिए। बिल्कुल देखिए साफ तो होना चाहिए। और यहाँ पर तमाम तस्वीरें देख रहे हैं एक बार, 60 फीट रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सड़कें जो है लबालब पानी से भरी हुई हैं। और जहाँ तक आपको जो है नज़ारा दिख रहा होगा, वहाँ वहाँ जो है पानी ही पानी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये देखिएगा कि बिल्कुल सभी की सभी जो मोटरसाइकिल हैं या फिर और भी व्हीकल हैं वो बंद हो चुके हैं जी। एक बार देख लीजिए यहाँ पर, दिखाइए एक बार। ये देखिए अम्मा कह रही हैं कि एक बार दिखाइए यहाँ पर। देखिए नाले से जो गंदगी है वो अटी पड़ी है और बिल्कुल भी पानी यहाँ से नहीं जा रहा है। ऐसे में देखिए जान जोखिम पर डालकर जो है कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं और परेशानी तो बहुत होती होगी, परंतु क्या करें, यहाँ पर गुजर बसर करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए दुकानें भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं, 60 फीट रोड पर मौजूद। और यहाँ पर साइकिल चालक जो है आराम से निकल रहे हैं क्योंकि उनकी साइकिल नहीं बंद हो सकती, परंतु वाहन चालक की बात करें तो लगातार वाहन बंद हो रहे हैं। ऐसे में काफ़ी परेशानी उन लोगों को आ रही है जिन लोगों का यहाँ से रोज़ाना आना जाना लगा रहता है। ऐसे में देखिए यहाँ पर बारिश तो अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है और ऐसे में यहाँ पर अभी भी इतना पानी भरा हुआ है कि वाहन भी बंद हो रहे हैं। ऐसे में कितनी यहाँ पर परेशानी लोगों को आ रही है ये तो देखने वाली बात होगी, परंतु इस तरीके का जो समाधान है, कब तक जो पब्लिक है ये सहन करेगी और कब तक जो है ये पानी भरा रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी, परंतु लोगों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हमने आपको लाइव रिपोर्ट दिखाई 60 फीट रोड डबुआ। ये देखिए यहाँ पर ये भैया, देखिए यहाँ पर किस तरीके से भैया की मोटरसाइकिल, देखिए यहाँ पर पानी जो है ऐसे भरा हुआ है जैसे कोई बाढ़ आ गई हो, जैसे कोई सुनामी आ गई हो। ऐसे में यहाँ पर मैं आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहा था कि यहाँ पर डबुआ प्याली रोड, भाई साहब कैसे पानी भरा हुआ है पीछे की तरफ? खूब भरा पड़ा, फुल पब्लिक परेशानी है बहुत ज़्यादा। पब्लिक परेशानी है पब्लिक। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं, पब्लिक परेशान है और एक ही बात कह रही है कि इस बार के चुनाव में हम जो है विकास की बाट देख रहे हैं, विकास जो कराएगा हम उसे ही वोट देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डबुआ रोड पर मौजूद हूँ, 60 फीट रोड पर मौजूद है। यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, लाइव रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अगर आप ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो आप सिटी न्यूज़ 100 को ज़रूर फॉलो करें। मैं था आपके साथ सुशांत, नमस्कार।